जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम आज तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव और साथ ही उनकी बेटी मीसा भारती से पूछताछ कर रही है सीबीआई का कस्ता शिकंजा देखकर लालू को नया जीवन देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य बौखला गई है रोहिणी ने ट्वीट कर अपने गुस्से का इजहार किया है और कहा है की अगर उनके पिता लालू जी को कुछ भी हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी दरअसल सिंगापुर ऐसी किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू प्रसाद दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती के आवास पर रहते हैं संक्रमण के खतरे को देखते हुए सिंगापुर के डॉक्टर्स ने उन्हें भीड़ से बचने की सलाह दी है डॉक्टर्स की सलाह के कारण ही लालू पटना नहीं आ रहे हैं और दिल्ली में ही अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर रहते हैं इसी बीच सोमवार को सीबीआई की टीम लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी होली से ठीक एक दिन पहले सीबीआई की टीम मंगलवार की सुबह मिसा भारती के आवास पहुंची जहां पर सीबीआई की टीम लालू और मिसा भारती से ऐसी पूछताछ कर रही है पिता लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कड़ी नाराजगी जताई है रोहिणी ने कहा कि उनके पिताजी को लगातार परेशान किया जा रहा है अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेगी अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है उन्हें जरा भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी पापा को तंग कर रहे हैं यह ठीक बात नहीं है यह सब याद रखा जाएगा समय बहुत बलवान होता है उसमें बड़ी ही ताकत होती है यह याद रखने की जरूरत है रोहिणी आगे लिखती है कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है जुरु दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत से आप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विथ एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल्स।